ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उसका मार्केट सिनेरियो देखते हैं। मैंने 2018 से लेके 2028 तक का इवैल्यूएशन मुझे मिल पाया, ये मैंने एक बहुत ट्रस्टवर्दी रिसर्च बेस है जहां से इसको निकाला है। तो देखिए ब्लू कलर वाला ये पॉइंट्स थोड़े आपकी हेल्प करेंगे, इसकी पिक्चर भी आप ले लीजिएगा, और ये इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग वर्कआउट करना पड़ता है, इस वजह से पीपीटी थोड़ी आप लोगों तक शेयर करने के लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू विल गेट दिस पीपीटी एज वेल। तो देखिए सबसे पहले 2018 और 2028 ये 10 साल का ऑलमोस्ट है, और जो बिल्कुल पर्पलिश कलर का है फेस क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स, देखिए मार्केट देखिए आप इसी से इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। फेस क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स जो पर्पलिश कलर है मैंने वो लिया है, पहला पॉइंट लिया है। तो कैसे इसकी मार्केट देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन 2028 तक जाते जाते इसमें राइज ही हुआ है। इतने बीच में ईयर, अभी हम 2022 के अंदर है, तो मार्केट देखिए किस तरीके से जा रहा है, 22.5 बिलियन का 2018 से राइज ही हो रहा है। थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन हर जगह पे दिख रहा है, लेकिन आने वाले 2028 की अगर मैं आने वाले कुछ सालों की बात करूं तो क्लेंजर्स हैं, फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, बॉडी क्रीम्स है, बहुत ह्यूज मार्केट है इसका, कहीं पे कोई स्टॉप ही नहीं है इसमें। अगर आप एक सिंगल बॉडी लोशन से भी शुरू करते हो ना, तो लोशन देखिए यहाँ पे शेविंग लोशन एंड क्रीम्स में या फिर बॉडी क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स में ये आ जाएगी रेंज। तो कैसे राइज ही हो रहा है इसका, तो ना तो मार्केट सिनेरियो की कहीं कमी है कि आप मार्केट नहीं कर सकते, एंड इवन जो ऑर्गेनिक स्किन केयर होता है ना उसकी मार्केट जब आप प्रमोट करना शुरू करते हो तो आपको उसकी जो इनऑर्गेनिक या केमिकल बेस्ड फॉर्मुलेशन होते हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान होता है हमारी त्वचा को, इतना ज्यादा हार्म होता है हमारी त्वचा को, हम उन गैप्स को समझ पाते हैं, और उन गैप्स को ब्रिज करने के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण टास्क यही होता है कि हमें ऑर्गेनिक स्किन केयर के पेनिट्रेशन को ही बढ़ाना है। एंड जो हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज है, अगर कंज्यूमर स्पेसिफिक पहले से ही है वो, तो उसको 2028 तक हमें इतने बड़े स्केल पे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऑलरेडी एस्टैब्लिश रेंज, ऑलरेडी कंज्यूमर ओरिएंटेड रेंज है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा हमें इस चीज को लेकर चैलेंज आने वाला है। चैलेंज अगर आएगा तो चैलेंज आ जाएगा इस बात का कि प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है उस अवेलेबिलिटी को हम कितना फुलफिल कर पाए, और वो हमें प्राउड होगा उस चीज के लिए कि अगर डिमांड इतनी राइज हो रही है तो वो चैलेंज हमारे लिए है कि आप तक उसको प्रोडक्ट को कैसे फुलफिल करें, लेके कैसे आए उन प्रोडक्ट को, और ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा होता भी है हमारे पास में, इंस्टा है, फेसबुक है, हर जगह पे उस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली कमेंट्स भी आते हैं, आप खुद ही देख सकते हो। मेरी बातों पे यकीन मत करिए, मैं नहीं कहती कि मेरी बातों पे आप यकीन करो, आप खुद जाइए और खुद देखिए, और मेरी स्टेटमेंट को तब चेक करिएगा कि कहीं पर मेरा कोई क्रॉस स्टेटमेंट है या नहीं है। तो आई विल बी प्राउड टू से कि बहुत ज्यादा कंज्यूमर बेस्ड रेंज है हर्ब्स एंड हिल्स, हर व्यक्ति इसका प्रयोग करना चाहता है, हर है, तो मार्केट सिनेरियो का कोई इशू हर्ब्स एंड हिल्स के साथ नहीं है और ना ही होने वाला है। तो ये कुछ हमारे सिनेरियो की भी बात की है मैंने आपसे।